एक था हरा भरा जंगल। पेड़ बहुत ऊंचे और हरे थे। नदी का पानी एकदम ठंडा था। पंछी मीठे मीठे गाने गा रहे थे और हवा एकदम ताजी। इस जंगल में सभी जानवर बहुत खुश रहते थे। सब मिलकर खेलते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और प्यार से रहते थे। इसी जंगल में रहता था एक छोटा सा बंदर, मोहन। मोहन बहुत चालाक था और हाँ, बहुत बहादुर भी। उसे तो पेड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। डेंजर! एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। आग बहुत तेजी से फैल रही थी। सारे जानवर डर गए, सब इधर उधर भागने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आग से बचने के लिए सब चिल्ला रहे थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सभी जानवरों की जान खतरे में थी। क्या कोई उन्हें बचा पाएगा? मोहन ने आग देखी। उसने देखा कि सब जानवर कितने डरे हुए हैं। मोहन समझ गया कि उसे कुछ करना ही होगा। वो जल्दी से नदी के पास गया और एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा। मोहन ने पत्ते को पानी में भिगोया और भागकर आग के पास गया। उसने पत्ते से आग बुझाने की कोशिश की। सभी जानवरों ने मोहन को देखा। वे समझ गए कि मोहन क्या करने की कोशिश कर रहा है। सभी जानवरों ने मिलकर मोहन की मदद की आग बुझाने में। जल्द ही आग बुझ गई, जंगल बच गया। सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहन को धन्यवाद दिया। मोहन ने सबकी जान बचाई थी। मोहन एक हीरो था। सभी ने मिलकर जंगल को फिर से हरा भरा बनाया। मोहन ने सभी को एक बहुत जरूरी बात सिखाई। उसने सिखाया कि मुसीबत के समय में हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए। उसने सिखाया कि एकता में बहुत ताकत होती है। मोहन की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी। वो एक बहादुर और समझदार बंदर था। बाजरम साहब।